और क्रीमिया में यूक्रेन की साजिश कैसे हुई नाकाम, क्या न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है ईरान, जंगी विस्तार से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। क्रीमिया में रूस की जासूसी एजेंसी एफएसबी ने यूक्रेन के दो जासूसों को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन के जासूस लगातार रूसी फौज के मूवमेंट की डिटेल कीव भेज रहे थे। अब एफएसबी की टीमें क्रीमिया में यूक्रेन के बाकी जासूसों पर शिकंजा कसने के लिए जासूसी अभियान चला रही हैं। लंदन और बर्लिन में युद्ध के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। लंदन की सड़कों पर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध रोकने की मांग की और पश्चिमी मीडिया में वॉर के विरोध की खबरें नहीं दिखाने पर सवाल उठाए। नेटो देशों को मैसेज देने के लिए साउथ अफ्रीका से लेकर हिंद महासागर तक रूस और चीन की नौसेनाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। रूस और चीन के युद्धपोतों ने डमी ठिकानों को घेरकर बमबारी की। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में चीन की धमकियों को खतरनाक बताया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साउथ चाइना सी में चीन ने बड़ी हिमाकत की और अमेरिका के P-8 पोसाइडन पेट्रोलिंग विमान को रोक दिया। अमेरिकी विमान के खिलाफ चीन ने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के सैन मूवमेंट से चीन भड़का हुआ है। चीन ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के टोही विमानों की पेट्रोलिंग उकसाने वाली है। अमेरिका का सैन्य दखल ताइवान स्ट्रेट में शांति के लिए खतरा बन गया है। ताइवान स्ट्रेट में जापान सी तक चीन की नेवल फ्लीट का मूवमेंट तेज है, तो साउथ चाइना सी में भी चीन के युद्धपोत वॉर ट्रेनिंग के नाम पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के कमांडर ने कहा कि पीएलए की नेवी को 24 घंटे रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि ब्रिक्स में शामिल होने के इच्छुक देशों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और मेक्सिको समेत 25 देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। कब्जाधारी चीन ने अब -20 डिग्री के तापमान में भी घुसपैठ करने वाला दस्ता तैयार किया है। चीन के इस दस्ते की ड्रेस भी बर्फ से ढकी चोटियों के मुताबिक डिजाइन की गई है। चीन ने सैन्य दस्ते की ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका और इसराइल को काउंटर करने के लिए ईरान ने न्यूक्लियर तैयारियों को तेज कर दिया है। ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब है। ईरान ने 84% प्योरिटी और यूरेनियम हासिल किया है। ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगाने के लिए IAEA भी एक्टिव है।